करना चाहिए। मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं, मेरी दोस्तियां भी थी क्रिकेट की वजह से, बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मैं मेरी लोगों से वहां वाकफियत भी बड़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है, कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें, किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां ये भी तसव्वुर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूं ना किसी मुल्क का एंटी हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो मेरे लोगों के फायदे के लिए पहली चीज वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीजें मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अपने लोगों को हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।